क्रिया का होता था। और क्रिया के तीन प्रकार है, पहला भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों भूतकाल। भूतकाल किसे कहा जाता है? तो भूतकाल का मतलब है बीते हुए समय का पता चलता है। जैसे कि देखो, मैंने खाना खाया, संजय ने पत्र लिखा, राधा सो गई है, मतलब जो भी हम वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में यह पता चलता है कि ऑलरेडी क्रिया हो चुकी है। तो जो क्रिया हो चुकी है तो उसे क्या कहा जाता है? भूतकाल। और क्रिया काल का दूसरा प्रकार है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का मतलब है क्रिया अभी चल रही है, क्रिया अभी चल रही है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो वर्तमान काल में जैसे मैं, मेरा एक उदाहरण आपको बताती हूँ, मैं पाठ पढ़ा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, यानी मतलब क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राधा नृत्य कर रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हैं, मोहन खाना खा रहा है, ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। और इस तरह वर्तमान काल का मतलब है अभी क्रिया चल रही है, समाप्त नहीं हुई। और इसके बाद और एक काल का तीसरा प्रकार है भविष्य काल, यानी मतलब फ्यूचर टेंस। तो इस तरह भविष्य काल में अभी क्रिया होना बाकी है, क्रिया अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या है, क्रिया का जिस रूप से पता चलता है कि कार्य होना अभी बाकी है तो उसे क्या कहा जाता है? भविष्य काल। तो भविष्य काल के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं आप। मैं कल बेंगलोर जाने वाला हूँ, मैं कल विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, मतलब अभी कल क्रिया होना बाकी है, अभी समाप्त नहीं हुई है, बाकी है, तो उसे क्या कहा जाता है? भविष्य काल। तो बच्चों आपने देखा होगा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो भूतकाल और एक बार आप ध्यान से सुनिए, भूतकाल में बीते हुए समय का पता चलता है, उसके बाद वर्तमान काल में अभी क्रिया चल रही है, और उसके बाद भविष्य काल में अभी क्रिया होना बाकी है। तो मेरे ख्याल